नमस्कार, रजनी इनोवेट्स चैनल में मैं रजनी रावल आपका स्वागत करती हूं। इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड लास्ट 10 इयर्स के सीबीएसई के थ्योरी क्वेश्चंस के पार्ट 3 को करेंगे। इस वीडियो में की पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो दिखाना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ज्ञात होता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट या विनियोग उन संसाधनों पर किया गया जिससे भविष्य में आय उपार्जन तथा कैश फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ बिल्डिंग ऐसी दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं जिससे कैश का इनफ्लो होगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या विनियोग की बिक्री से कैश इनफ्लो होगा और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 4, पेटेंट्स इनटेंजिबल एसेट हैं, सेल ऑफ पेटेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और इससे कैश का इनफ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यापारिक कंपनी द्वारा शेयर्स खरीदने के लिए पेमेंट करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 6, मशीनरी एसेट है, सेल ऑफ मशीनरी से प्राप्त कैश कैश इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्वेश्चन नंबर 7, डिबेंचर्स पर प्राप्त ब्याज से इनफ्लो ऑफ कैश होगा। क्वेश्चन नंबर 8, गुडविल या फिक्स्ड एसेट का क्रय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है सभी तरह के एंटरप्राइजेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों यहां ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट पेड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 10, इन्वेस्टमेंट कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी के डिबेंचर खरीदने के लिए कैश पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्योंकि यह उसकी सामान्य व्यवसायिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेडिंग या व्यापारिक कंपनी द्वारा किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरेस्ट प्राप्त करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक अन्य उदाहरण है डिविडेंड रिसीव करना या लाभांश की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 13, गारमेंट कंपनी द्वारा खरीदी गई मशीन से गारमेंट्स की पैकेजिंग की जाएगी, ये मशीन व्यवसाय में प्रयोग के लिए खरीदी गई ना कि बेचने के लिए, इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए लिमिटेड को यह इनकम उसकी सामान्य व्यवसायिक क्रिया से नहीं प्राप्त हुई अपितु ए लिमिटेड ने किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 50 लाख रुपए के शेयर खरीदे और उन पर लाभांश प्राप्त हुआ, इसलिए इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 2013-14 की अपेक्षा 2014-15 में पेटेंट्स 50,000 रुपए से बड़े हैं, इसका अर्थ पेटेंट्स जो कि इनटेंजिबल एसेट है उसका परचेज किया गया, इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो के रूप में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 1,50,000 रुपए की गुडविल परचेज की गई, इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पीपी लिमिटेड शेयर ब्रोकरेज कंपनी है जिसकी मुख्य आय का साधन है शेयर के खरीदने और बेचने पर ब्रोकरेज या कमीशन, इसलिए उसके लिए भी अन्य कंपनी में शेयर खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जीजी लिमिटेड के लिए भी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है। क्वेश्चन नंबर 18, फिनसर्व लिमिटेड म्यूचुअल फंड बिजनेस कर रही है अर्थात फाइनेंसिंग कंपनी है, इसलिए अन्य कंपनी के शेयर व डिबेंचर खरीदना और डिविडेंड तथा इंटरेस्ट प्राप्त करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कोई कैश फ्लो नहीं होगा।